हे गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी व्लॉग्स। तो आज हम फिर से आ गए हैं नेहरू नगर साराभाई मोटर्स रॉयल एनफील्ड। तो आज मैं ये क्लासिक 350 जो नया मॉडल आया है उसका, तो आज मैं इसका टॉप स्पीड देखने वाला हूँ। तो कितना टॉप स्पीड मिलता है इसका हाईवे पे हम वो देखेंगे। तो फटाफट से अभी हाईवे पे चलते हैं, फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। तो आज हम लोग दो तीन चीज़ें करने वाले हैं इस बाइक में। पहला तो आज हम इसका टॉप स्पीड देखेंगे कितने तक ये जाती है। दूसरा कि आज हम इसको चलाएंगे और साथ में वाइब्रेशन टेस्ट भी लेने वाला हूँ मैं आज, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो क्लासिक जो पुरानी आती थी उसमें और इसमें वाइब्रेशन में क्या क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ यार सपोर्ट कीजिए मेरी चैनल को। आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट के बिना कुछ नहीं होता भाई लोग, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और फिर भी फ़िलहाल तो मैं सिटी में हूँ तो थोड़ा ऐसे धीरे धीरे ही चलेगी, लेकिन अभी हाईवे पे मैं जा रहा हूँ, वहीं चल के पूरा अपने खींचेंगे कितने तक जाती है, 100, 110, 120 कितने तक जाती है। मुझे फील हुआ है फुटपैक पे, बाकी कहीं पर भी वाइब्रेशन नहीं है। अब समझिए क्लासिक बाइक में वाइब्रेशन नहीं है, और ये लड़की इस तरह से बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं पता ही नहीं है, और पुलिस वाले हैं, बोलो क्या करे। बोलो कोई बात नहीं, होता है, गलतियां सभी से होती रहती है। और अभी फ़िलहाल फिर से हमने खींचा है, तो यहाँ तक, यहाँ मैं सिटी में तो 80 और 100 के बीच ही चला सकता हूँ, उसके आगे मुझे ब्रेक लगाना ही पड़ता है। तो ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी काबिले तारीफ़ है, बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग एफिशिएंसी मुझे देखने को मिल रही है, मुझे ज़रा सा भी डर नहीं लग रहा है तेज़ चलाने में। तो चलिए अच्छी बात है हम आए और सिग्नल खुल गया, वरना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सिग्नल लंबा है। और फिर से हम लोग जाते हुए और आगे एक और सिग्नल आ जाएगा, तो फिर से हमको स्लो करना पड़ेगा हमारा बाइक। कोई बात नहीं, हम ऐसे भी हाईवे पे तो जा ही रहे हैं, लेकिन बीच बीच में ऐसा मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह का परफॉर्मेंस है इस बाइक का। तो ये हमारा मॉडिफाई किया हुआ बाइक है, जिसमें फुटपैक हमने अलग से जो चौड़े वाले आते हैं वो डाले हुए हैं, और ये विंडशील्ड बड़ा सा वो हमने डाला है ताकि विंड ब्लास्ट से बचा जा सके। लेकिन विंडशील्ड में मुझे थोड़ा लग रहा है कि वाइब्रेशन आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा हाइट थोड़ा है इसके लिए, वे तो आएगा ही विंडशील्ड में तो। और ये देखिए कॉर्नरिंग में भी ज़रा सा भी मुझे डर नहीं लग रहा है। ये फुटपैक जो चौड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है, क्या बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते हैं, आपको डलवाने पड़ते हैं। चल ये आगे का सिग्नल भी खुला है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग हाईवे पे पहुंच जाएंगे, वरना यहीं से निकलते निकलते 5-10 मिनट लग जाता है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक का, और साउंड आप देखिए एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी फिटेड साउंड है वही है। अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा लाउड नहीं करना है, थोड़ा लाउड थोड़ा नॉर्मल, तो ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहेगा आपके लिए। और ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है रॉयल एनफील्ड की तरफ से, क्योंकि इस बाइक में जो डिस्क का डायामीटर है आगे और पीछे दोनों में, वो डिस्क का डायामीटर बढ़ा दिया है, जिससे ब्रेकिंग एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी मिल रही है। और साथ में यहाँ पे जो लीवर्स का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, आप देख रहे हो कि जो चौड़ा लीवर है उससे काफ़ी अच्छा मुझे ग्रिप मिल रहा है चलाने में, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बाइक अभी हो गई है, वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, सिटी राइड के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बाइक है ये। और एक यहाँ पे छोटा सिग्नल, बाद में हम सीधे एसजी हाईवे पे पहुँच जाएंगे। जीरो टू 60 काफ़ी अच्छी तरीके से आ जाता है, और सीट
का कुशनिंग भी काफ़ी परफेक्ट है, मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और ये देखिए, ये भी सिग्नल खुला हो गया है, तो हमारे लिए पूरे सिग्नल ओपन हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। हम फटाफट से पहुंच जाएंगे और फिर भगाएंगे इसको कि कितने तक ये जा सकती है, रॉयल एनफील्ड न्यू क्लासिक 350 रिबॉन। तो ये हम चलते हुए अभी यहाँ से फ्रीज यहाँ से जाके यू टर्न लेके हम ब्रिज पे से जाएंगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये अहमदाबाद का SG हाईवे, बहुत ही फेमस रोड अहमदाबाद का। ये भी इसका कमाल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आपको ज़रा सा भी स्पीड नहीं होने देती है बाइक को, और आप बहुत ही शांति से और बेफिक्री से बाइक चला सकते हो। यहीं से हम लोग यूटर्न ले लेंगे और फिर जाएंगे धमाधम, और देखते हैं कितना इसका स्पीड लिमिट है, सॉरी इसका स्पीड टॉप स्पीड क्या है। ये जो आप वीडियो देख रहे हो, मैंने पहले भी शूट किया हुआ था, लेकिन आपको पता होगा कि GoPro कहीं पर भी कभी भी धोखा दे देता है, इसके लिए मुझे दोबारा ये करना पड़ रहा है। और अभी हम लोग जाएंगे, देखते हैं कितने तक जाती है ये बाइक, और आप इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुन सकते हो, बहुत ही अच्छा एग्जॉस्ट साउंड आ रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कॉर्नरिंग और पिकअप में ज़रा सा भी देखना नहीं पड़ रहा है, और ये 100 पे पहुंच चुकी है बाइक, और भी अभी ये तेज चलने की कोशिश कर रही है। बाइक अभी और भी खींचूंगा मैं उसे, 118 119 120 120 पे इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, वाइब्रेशन पांव पे आ रहा है, बाकी हाथ पे उतना नहीं आ रहा है। और दोबारा से पूरा दे दिया है मैंने एक्सीलेटर, और अभी साला ब्रेक लगाना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा है। ये देखिए, मैं कॉर्नरिंग कर रहा हूँ, कट्स लगा रहा हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा जा रहा है ये बाइक, बहुत ही परफेक्ट बाइक है सिटी राइड के लिए, बहुत ही अच्छा ये सोचा हुआ है, जो क्लासिक के लवर है उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। क्लासिक का लुक और नया इंजिन मिटियोर का आपको मिल जाएगा, इसमें कॉम्बो रहेगा, हॉर्न वगैरह भी काफ़ी अच्छा है, क्लच बहुत ही ईजी हो गया है, एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छा है। और फिर से दोबारा एक बार हम लोग, काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये बाइक चला के, ओ बाप रे, और यहाँ पे मैं बच गया। परफेक्ट जा रहा है बाइक, मुझे यहां से यू टर्न लेना है, इसके लिए मैं इस तरफ आ गया हूं, और बाइक हमारा अभी रिजर्व में आ गया है, आप देख सकते हो ट्रिप F जो दिखा रहा है वो हमारा रिजर्व दिखा रहा है। 3.5 लीटर से कम पेट्रोल होगा तब इसमें ट्रिप F शुरू हो जाएगा,
और यहाँ पर भी पेट्रोल नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि अभी लो फ्यूल है, आप पेट्रोल भरवा दीजिए, तो ज़रूर भरवा देंगे। और ये देखिए कॉर्नरिंग बहुत ही आसानी से मैं ले सकता हूँ, परफेक्ट है ये। और एक और बार हम लोग जाएंगे, कितने तक जाता है ये बाइक। और यहाँ पे देखिए ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है ब्रेकिंग इसकी। आपको अभी रॉयल एनफील्ड की तरफ से ज़्यादा कंप्लेंट नहीं रहेगी कि भाई ब्रेक नहीं लग रही है। अरे भाई ब्रेक भी लग रही है, अभी पिकअप भी है, स्टाइल भी है, क्वालिटी भी है, तो काफ़ी अच्छी बाइक बनाई है अभी रॉयल एनफील्ड ने। तो अभी हम लोग शोरूम पहुँचेंगे, बाद में इसका वाइब्रेशन टेस्ट भी लेने वाला हूँ, तो वो भी देखिए आप किस तरह से। मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा कि वाइब्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दोनों बाइक है हमारे पास, पुरानी क्लासिक भी है और नई क्लासिक भी है। और सस्पेंशन भी काफ़ी हद तक अच्छे हैं। और यहाँ पे बहुत ही मज़ा आता हुआ मुझे ये बाइक चलाने में, ज़रा सा भी हैवीनेस उतना फील नहीं हो रहा है क्योंकि क्लच वगैरह बहुत ही इजी हो गया है अभी। हंड्रेड तो आराम से टच कर रही है, आराम से, ज़रा सा भी इसको फोर्स नहीं करना पड़ता, हंड्रेड बहुत ही आराम से जा रही है। हंड्रेड के बाद इसको थोड़ा टाइम लगता है 120 तक आने के लिए, बाकी 100 तो बहुत ही आसानी से आती है ये बाइक, तो सिटी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। इतना स्पीड बहुत हो गया हमारे लिए सिटी के लिए, तो मैक्स टू मैक्स मुझे ऐसा लग रहा है कि 130 तक ये जा सकती है, शायद इसके आगे नहीं जाएगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बाद में इसका ये सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। और फिर से हम लोग सिटी में घुस चुके हैं, अभी हम शांति शांति से जाएंगे। तो अगर आप ये मेरा वीडियो यहाँ अहमदाबाद या आसपास के एरिया से देख रहे हो, तो आपको रॉयल एनफील्ड की कोई भी बाइक लेनी है तो आप नेहरू नगर साराभाई मोटर्स आ सकते हो। आपको ऑन स्टॉक भी बाइक मिल जाएगी और साथ में एट्रैक्टिव फाइनेंस स्कीम भी मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको साराभाई मोटर्स का एड्रेस और कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर भी छोड़ दूंगा, आप आ सकते हो यहाँ पे। और सिग्नल बंद तो भी लंबा चलेगा ये सिग्नल, तो क्या करें, अभी बाइक बंद कर देते हैं, थोड़ा पेट्रोल भी बचाना चाहिए। तो मेरा एक्सपीरियंस पर्सनली मैं बताऊँ ना, बहुत ही अच्छा रहा है इस बाइक पे। उतना मुझे रॉयल एनफील्ड पसंद तो है ही, मेरे पास दो रॉयल एनफील्ड है, लेकिन ये कुछ अलग ही धमाल है, बहुत ही बड़ा, मतलब कि एक पैकेज आपको दे दिया है रॉयल एनफील्ड में, काफ़ी अच्छा रहेगा, सब कुछ इसमें कर दिया है। ये जो रॉयल एनफील्ड का आप देख रहे हो, यहाँ पे आप नेविगेशन भी लगवा सकते हो आफ्टर, और बाद में बहुत सारा मॉडिफिकेशन कंपनी से ही करवा सकते हो, एग्जॉस्ट डलवा सकते हो, फुट पैक डलवा सकते हो, ये मिरर्स जो है वो लगवा सकते हो आप, और विंडशील्ड लगवा सकते हो, तो बहुत सारा मॉडिफिकेशन करवा सकते हो आप। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मुझे, कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, कलर का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा तो एक्सपीरियंस। अगर आपको नई बाइक लेना सोच रहे हो तो एक बार ज़रूर क्लासिक का ट्राई ज़रूर लीजिएगा, इसमें कंपटीशन में ये हाइनेस 350 ज़रूर होगा, लेकिन रॉयल एनफील्ड जैसी सर्विस वगैरह होंडा में उतना नहीं है, मिलती है ऐसा नहीं है नहीं मिलती है, लेकिन ये जो फ्रेंडली नेचर होता है वो होंडा में बिल्कुल भी नहीं है। आपको टेस्ट राइड के लिए बाइक भी नहीं मिलती है, मैंने तो ट्राई किया हुआ इसके लिए, मैं बता रहा हूँ होंडा हाइनेस के लिए। टेस्ट राइड के लिए जाते हैं तो भाई आधा किलोमीटर का तो टेस्ट राइड देते हैं, तो उसमें क्या पता चलेगा कि आपको बाइक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। और साथ में उनके जो बिग विंग शोरूम है वहीं पर ही वो बाइक मिलती है, तो वो थोड़ा माइनस पॉइंट ज़रूर उनको रहेगा,
क्योंकि हर एक सिटी में तो बिग विंग शोरूम है नहीं उनके, इसके लिए रॉयल एनफील्ड तो छा जाएगी और अच्छी भी है। और कितने सालों पुरानी ये है, ये क्लासिक, तो आप सोचिए बहुत ही मज़ा आएगा आपको ये चलाने में। और माइलेज भी काफ़ी अच्छी है इस बाइक की, और 350 सीसी का इंजन है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पावर, पिकअप, टॉर्क सब कुछ मिल जाएगा, माइलेज भी मिल जाएंगी, आपके पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि अभी पेट्रोल के दाम आप देख सकते हो कि 100 रुपीज़ तक हो चुके हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बो है ये रॉयल एनफील्ड की तरफ से, एक धमाका किया हुआ है रॉयल एनफील्ड ने मार्केट में ये बाइक लॉन्च करके। बहुत ही कम वाइब्रेशन है इसमें, अभी हम लोग हमारी पुरानी जो क्लासिक है उसमें भी दिखाता हूँ मैं कितना वाइब्रेशन है इसमें, है थोड़ा है लेकिन उतना नहीं बोल सकते हो। तो चलिए अभी हम पुरानी वाली क्लासिक भी दिखाता हूँ। तो ये देखिए हमारी जो पुरानी वाली क्लासिक है उसमें तो पानी नहीं, पूरा बॉटल ही हिल रहा है, तो मतलब उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा है। और वो जो नई क्लासिक आई उसमें वाइब्रेशन काफ़ी हद तक कम है। तो ऐसा छोटा ही मैंने वाइब्रेशन टेस्ट लिया हुआ है। कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।